ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और संगम योगी ब्राह्मण। संगम योगी ब्राह्मण जो बनते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं, अर्थात वे काम विकार में जाना बंद कर देते हैं, परंतु पवित्रता के लिए उनको योग साधना करनी पड़ती है जो इस जीवन के अंत तक तो चलती ही है। इस जन्म के बाद भी एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को संपूर्ण पवित्रता के लिए जाने अनजाने उनका पुरुषार्थ चलना ही है। सारे कल्प के स्वामानों का आधार पवित्रता है। जो पतित पावन बाप संगम युग पर आकर आत्माओं को वरदान और वरसे के रूप में देते हैं, अर्थात सर्व आत्माओं को पूर्ण पवित्र बनाकर वापस घर परमधाम ले जाते हैं, जहां से आत्माएं नए कल्प में आकर नए सिर से अपना पाठ बजाती है। बाबा के अव्यक्त बाबा के महावाक्य 2 फरवरी 2012 के। बाबा कहते हैं, याद करो अनादि स्वरूप में आपका स्वमान कितना बड़ा है। एक तो बाप के साथ साथ चमकती हुई आत्मा है। सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सत्युग आदि में अपना स्वरूप देखो, कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है, कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। फिर नीचे आओ तो द्वापर में भी आपका स्वमान पूज्य का है, अर्थात पूज्य स्वरूप है। सभी कितनी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं। अब आओ संगम में, सब चक्र लगा रहे हो तो संगम पर स्वयं भगवान आपके जीवन में पवित्रता की विशेषता भरता है। जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है। 5 मार्च 2012 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, आप इस कल्याणकारी संगम में बाप के रंग के, बाबा कहते हैं कि आप इस कल्याणकारी संगम में बाप के संग के रंग में रंगे रहते हो। उसको उन्होंने स्थूल रंग बना दिया है। आप बाप के संग के रंग से होली अर्थात पवित्र बनते हो। ब्राह्मण बनना अर्थात पवित्रता का व्रत लेना, क्योंकि बाप सदा पवित्र है। और होली का दूसरा अर्थ है होली अर्थात हो गया, अर्थात जो बीता सो बीता। फिर 5 मार्च 2012 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, आप परमात्मा के संग के रंग से डबल पवित्र बनते हो, अर्थात आप जब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो आपकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। सारा चक्र घूमो और देखो तो आपके जैसा डबल पवित्र और कोई नहीं बना है। अभी भी अगर कोई पुराने संस्कारों अनुसार संकल्प आता है तो अभी तीव्र पुरुषार्थ से उसको जला दो। 4 नवंबर 2011 की साकार रिवाइज मुरली है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो, पूजन लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन होता है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। गायन ब्राह्मणों का है, देवताओं का नहीं। बाप तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होता है। तुम्हारी आत्मा भी पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र नहीं है। फिर 8 नवंबर 2011 की साकार रिवाइज मुरली। भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि ये देवी देवताएं निर्विकारी थे। स्वर्ग में इन्हों का प्रवृत्ति मार्ग था। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे, क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता है। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है।
स्वर्ग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, यहाँ कलयुग में है आसुरी गुण वाले मनुष्य। ये भी पीछे समझाना है, पहले तो बाप का परिचय देना है और सही करानी है। 9 सितंबर 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है। बाबा कहते हैं, कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे, वे कहेंगे हम तो है ही पवित्र। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते हो, अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत जी तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सत्युग को कहा जाता है, सो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो, तुम विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। पवित्र ब्रह्म पवित्रता ब्रह्मचर्य और फरिश्ता स्वरूप है। वास्तविकता को देखा जाए तो फरिश्ता अर्थात स्वरूप भी पूर्ण पवित्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब आत्मा पूर्ण पवित्र बन जाएगी तो वह परम धाम जाएगी, जहां आत्मा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर में भी आत्मा में प्लस होता है, अर्थात वहां रहते भी आत्मा जो कर्म करती है उससे उसका खाता जमा होता है। फरिश्ता स्वरूप में आत्मा को ब्रह्मचर्य धारण करने या न करने का प्रश्न ही नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:45 बजे। ओम शांति।